अरे अब सुंदर खूबसूरत बीवी की चाह किसे नहीं होती, लेकिन क्या हो जब बीवी की खूबसूरती ही पति के लिए सर दर्द बन जाए। देखिए जरा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, बाहर तक नहीं निकलने देते हो, चलो ना। अब आज नहीं, फिर कभी चलते हैं, आज ना मुझे बहुत काम है। वैसे तुम्हें कितनी बार बोला है घर से बाहर जाने का ना सोचा करो, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। तुमसे जब भी कहीं घूमने जाने के लिए बोलती हूँ तुम यही बोलती हो। अरे तो फिर कब चलेंगे और कैसी है दुनिया ये देखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। स्कूल से निकली ही थी कि पापा ने बालिग होते हुए भी शादी करवा दी, कहीं जाने को कहो तो कहते थे दूल्हे के साथ जाना, और अब दूल्हा भी ऐसा ही मिला है। पत्नी को रोता देख पति को दया आ जाती है। सच में आज बहुत थक गया हूँ, ऐसा करता है कल चलें। ठीक है, लेकिन कल के बाद कोई बहाना नहीं, समझे ना। पति परेशान रहता है, सोचता है बला की खूबसूरत बीवी को अगर बाहर ले जाएगा और कहीं दुनिया की नजर लग गई तो, अरे कोई मेरी बीवी को बहला कर मुझसे दूर कर देगा तो क्या। अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं तो उन्हें कुछ आस पड़ोस की औरतें देखती है। अरे आज दीपक और उसकी लुगाई की सवारी कहाँ जा रही है। अरे आज तो गली में चांद निकल आया, वो भी दिन में। और कहाँ घूमने जा रहे हैं, शादी हुई इतने महीने हो गए तो सोचा आज एक साथ घूमने चले, क्यों गलत है क्या उसमें। अरे इतनी सुंदर बीवी के होते हुए कोई कैसे घूमने ना जाए, आखिर पूरे गांव को भी तो दिखाना है कि गांव की सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है, क्यों दीपक सही कहा ना। नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है, कौन अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करता है। अरे तो क्या हुआ अगर वो सबको दिखाना चाहता है, वैसे भी हर आदमी की किस्मत थोड़ी ना होती है दीपक की किस्मत जैसी कि सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाए। काकी ऐसा ना बोलो, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना मेरा दीपक उतना ही समझदार और सुलझा हुआ है, उसने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी ना की थी, अपने लिए मेरा प्यार देखकर किया, क्यों दीपू सच कहा ना मैंने। हाँ बिल्कुल सच मेरे बुलबुल। कुछ दिनों बाद पति अपने दफ्तर काम पर जाता है। मैंने सुना है वो अपना दीपक नहीं है, उसकी शादी हमारे गांव की सुंदरी कोमल से हुई है। क्यों सच्ची, ऐसी बात है तो दीपक की तो लॉटरी लग गई। अरे क्या किस्मत है उस लड़के की, इतनी अच्छी नौकरी और घर में सुंदर सी छोकरी, अरे लड़के की तो लाइफ सेट है। किस्मत चमक गई है दीपक की शादी के बाद से। अरे कैसे ना चमके, सब कोमल की वजह से, नहीं तो तुम्हें लगता उसे कोई पूछता भी होगा। हाँ ये तो सही कहा, जिसकी बीवी कोमल जैसी हो उससे कौन बात नहीं करना चाहेगा। अरे पता नहीं कब हमें बुलाएगा खाने में। दीपक अपने साथ काम करने वालों की बातें दूर से सुन रहा था, उसे अजीब सा फील होता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। बात तो सही है, कल तक मेरे घर क्या मुझसे बात भी कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से शादी हुई है हर किसी को दीपक के घर आना है, उसे अपने घर बुलाना है। यार मेरी पहचान क्या मेरी बीवी से ही रह जाएगी। शाम को, सुनो ना दीपक बाजार चलते हैं, वो कुछ ना घर का सामान लाना था, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्यों तैयार ही तो, और कितना तैयार होगी, और क्या है जब देखो बाहर भागने की लगी रहती है। क्यों हाँ मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद ही चले जाना। दीपक का रवैया अब तो बीवी के लिए इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद, सुनो दीपक मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं सोच रही थी अगर कल तुम मुझे मेरी माँ की वहाँ छोड़ आती तो, वैसे भी अब मन नहीं लगता मेरा इस घर में, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा कल ऐसा कर, बहू को उसके मायके छोड़ा, आजकल बहू काफी गुमसुम सी रहने लगी है, बच्ची ही तो है और तू भी तो वक्त नहीं देता। लेकिन माँ मुझे काम है, मुझे दफ्तर भी जाना है, और क्या जरूरत है वहां जाने की। क्या तेरा काम बहू से ज्यादा जरूरी है, क्या हो गया है बेटा, क्यों तू ऐसा हो गया है,
तू तो ऐसा नहीं था, कितना खुश था बहू से शादी करने के लिए, अब क्या हो गया? हाँ दीपक, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है जिसका तुम्हें बुरा लगा है? अरे मुझे क्या हो गया, और मैं कौन सा जरूरी हूँ कि मुझे कुछ हो और उसका किसी पर असर पड़े। कोई बात नहीं यार, मुझे बस टाइम नहीं है, तुम खुद ही अपने मायके चली जाओ, और अब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ये इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। अगले दिन बीवी अपने मायके के लिए निकल रही होती है कि वो पति से मिलने उसके दफ्तर जाती है। पता नहीं शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, माँ से मिलने तो जा रही हूँ लेकिन एक बार इन्हें बता देती हूँ, कल से तो बात भी नहीं की है इन्होंने। बीवी जैसे ही ऑफिस में जाती है सभी उसे देखने लगते हैं, तभी वो पति के केबिन में जाती है जहाँ। अब तुझे क्या हो गया, तू अपनी बीवी से बात क्यों नहीं कर रहा? भला कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी से नाराज रह सकता है क्या? वही तो, तू हमें बता जो भी बात है, हम तेरी मदद करेंगे। अरे क्या मदद करोगे, जब परेशानी की जड़ ही मेरी बीवी है। ये सुनकर बीवी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो कैसे, तेरी बीवी तो सुंदर है और तुझसे बहुत प्यार भी करती है, तो परेशानी कैसी? उसकी खूबसूरती ही तो परेशानी है, मैं जब भी उसके साथ कहीं जाता हूँ ना तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब लोगों के मन की बात जानी ना कि असली बात क्या है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। लोग मेरे बारे में एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे कोमल जैसी खूबसूरत बीवी मिली। लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे को कोमल जैसी बीवी मिल सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोमल के लायक नहीं, मैंने कोमल को फंसाया है। सब जगह बस कोमल कोमल कोमल, कोमल के आगे तो मेरा कोई वजूद कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोमल मेरी बीवी नहीं होती ना तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी, सब काम कोमल की खूबसूरती ने करा है। मेरी मेहनत की तो कहीं बात ही नहीं आती। कोमल पति की बात सुनकर रोने लगती है, तभी उसके दोस्त की नजर कोमल पर पड़ती है। अगर सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ तो मैं अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से खराब करवा लेती हूँ। हाँ हाँ यही ठीक होगा, और अच्छा ही हुआ तुमने सुन लिया, वरना मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कह पाता। कोमल वहां से जाने लगता है कि रुकिए भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सभी दोस्त मिलकर पति को समझाते हैं और फिर मुझे माफ कर दो, पति के लिए पत्नी की तारीफ और पत्नी के लिए पति की तारीफ ही असली सफलता है, मुझे माफ कर दो।